देखना पहले पढ़ेंगे हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस, करना हेडिंग करना छोटा सा पॉइंट है एकदम, करना पॉइंट नंबर वन एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है जो प्रॉमिस किए थे हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दोनों पार्टी ए एंड बी जो प्रॉमिस किए थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो दोनों वो सच में परफॉर्म कर दिए, दे हैव एक्चुअली परफॉर्मड इट, उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब है वो लोग परफॉर्म करने का कोशिश किए लेकिन परफॉर्मेंस हो नहीं पाया, उसको बोलते हैं अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड का मतलब होता है कोशिश करना परफॉर्म करने का लेकिन परफॉर्मेंस हो नहीं पाया, दैट इज नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, लिखेंगे हम लोग पहला है पॉइंट नंबर ए, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। लिखना व्हेन अ पार्टी, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन वॉट ही हैड अंडरटेकन टू डू और ईदर ऑफ द parties have fulfilled their obligations, either of the party has fulfilled their obligations, then मत करो within टाइम प्रेस्क्राइब्ड, विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड, विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, इसका मतलब जब पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज परफॉर्म्ड वॉट एवर द पार्टी हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में वो परफॉर्म करने के लिए बोला था ही हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वो क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट वो परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल एक्स बोरोज वन लाख रुपीस फ्रॉम Y with a promise to repay after 1 month, with a promise to repay after 1 month, full stop. If X repays the amount on the due date, it is called as actual performance, it is called as actual performance। मतलब जो party to the contract promise किया था contract के अंदर, अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा कर देता है, जो वो बोला था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर वो चीज वो परफॉर्म कर देता है तो हम उसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, पॉइंट नंबर बी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, पहले लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा क्या होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, देखना पॉइंट नंबर बी
द हेडिंग इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इट मे हैपन समटाइम, इट मे हैपन समटाइम, व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, कॉमा द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म, द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म, बट द प्रोमिसी रिफ्यूजेस, बट द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, बट द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। इसका मतलब जब सामने वाला पार्टी परफॉर्म करना चाहता है, प्रोमिसर परफॉर्म करना चाहता है, प्रोमिसर हैज ट्राइड टू परफॉर्म बट द प्रोमिसी हैज रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। प्रोमिसी रिफ्यूज करता है परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से। अब इसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। और अब जो प्रोमिसर है वो फिर से लायबल नहीं होगा और परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो परफॉर्म करने का कोशिश किया, प्रोमिसी उसको रोका परफॉर्मेंस करने से। तो जब प्रोमिसी उसको रोका परफॉर्मेंस करने से, तो अब और प्रोमिसर लायबल नहीं होगा परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है, देखना एग्जांपल। P promises to deliver goods to R. On the due date, P tried to perform, but R refused. But R refused to accept the performance. But R refused to accept the performance. It is called as attempted performance. It is called as attempted performance. ठीक है, क्योंकि प्रोमिसर कोशिश किया परफॉर्म करने के लिए। अब अगर प्रोमिसी रोकेगा परफॉर्म करने से, तो प्रोमिसर अब और लायबल नहीं होगा फ्यूचर में फिर से परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नया हेडिंग करना। By whom a contract can be performed? By whom a contract can be performed? Contract कौन perform कर सकता है? By whom a contract can be performed? ठीक है, अगर section लिखना चाहते हो तो लिख लो यहाँ पे section number 40, 41 and 42, इसके अंदर कवर होता है बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म। इट सिंपली मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट को कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लिखना।
दे प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, द प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म्ड, इन द फॉलोइंग मैनर, कैन बी परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, बेसिकली कौन कौन इसको परफॉर्म कर सकता है वो यहां पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला तो है प्रोमिसर हिमसेल्फ, जो प्रॉमिस किया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो तो परफॉर्म कर ही सकता है, ही कैन परफॉर्म हिमसेल्फ। ठीक है, देखना पॉइंट नंबर वन। प्रोमिसर हिमसेल्फ, द प्रोमिसर हिमसेल्फ कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है। लिखना उसके अंदर इफ देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट then the promise under it should be performed by promisor himself, should be performed by promisor himself। It means if a contract involve, it means if a contract involve the exercise of skill or knowledge by the promiser, then the contract must be performed by promiser himself, then the contract must be performed by promiser himself। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, जो प्रोमिसर है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा परफॉर्म करेगा। कब? अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है विच एक्सरसाइजेस द यूज ऑफ स्किल एंड नॉलेज बाय द प्रोमिसर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि जनरली सर्विस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सर्विस देना है जिसमें प्रोमिसर का कोई स्किल या कोई नॉलेज का जरूरत है, तो जब प्रोमिसर का स्किल या नॉलेज का जरूरत है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर कौन परफॉर्म करेगा, प्रोमिसर खुद परफॉर्म करेगा। जैसे एग्जांपल है, अगर पेंटिंग करना है, ठीक है, मिस्टर ए हैज प्रॉमिस टू पेंट, अब ए को ही परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि पेंटिंग क्या है, पेंटिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग स्किल एंड नॉलेज विच इज टू बी परफॉर्म बाय मिस्टर ए ओनली। ठीक है, जैसे पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट है, अब मैं पढ़ाऊंगा तो ही तुम पढ़ोगे, मेरे बदले कोई भी पढ़ा देगा तो नहीं चलेगा, है ना। मेरे मेरे से पढ़ने का कॉन्ट्रैक्ट की हो, मेरे से पढ़ने का कॉन्ट्रैक्ट की हो तो फिर मैं ही पढ़ाना जरूरी है, मेरे बदले और कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? लेकिन आप तो सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हो। बेटे मैं जो पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट किया हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं इसमें, अकाउंट पढ़ाता हूं, लॉ पढ़ाता हूं, तो मैं जो पढ़ाता हूं उसके रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट मेरे से है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा। ठीक है, ये सी ए फाउंडेशन है बोल के ऐसा लग रहा है, तुम क्लास 11 12 सोचो, अकाउंट्स पढ़ने का बात है, तुम 12th क्लास में मेरे से अकाउंट्स पढ़ने के लिए ज्वाइन किए हो,
तो फिर मेरा पढ़ाना जरूरी है, मेरे बदले कोई और पढ़ा देगा तो वहां पे नहीं चलेगा। ठीक है, लिखना एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ोगे? हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ ले, बोले अरे सर से तो अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ना भी पढ़े, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिसर का परफॉर्मेंस मैंडेटरी है, प्रोमिसर को खुद परफॉर्म करना मैंडेटरी है। कब? जब कॉन्ट्रैक्ट है स्किल या फिर कोई नॉलेज का। ठीक है, लिखना एग्जाम्पल। ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, फुल स्टॉप। Here the contract must be performed by A only. Here the contract must be performed by A only. A को ही perform करना जरूरी है contract. ठीक है, next point number B, second point लिखना, point number B. पॉइंट नंबर बी इज एजेंट। ठीक है, एजेंट मतलब जो हमारे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। ये कब पॉसिबल है? जब कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं करता कोई स्किल या फिर कोई नॉलेज का यूज। ठीक है, जैसे नॉर्मली गुड्स डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट है, या तो मैं खुद गुड्स डिलीवर कर दूं तो भी चलेगा, मेरे बदले कोई मेरा एजेंट, कोई मेरा नौकर सोच लो, स्टाफ जाके गुड्स डिलीवर कर दिया तो भी चलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर सर्विस से रिलेटेड नहीं है, कोई स्किल या नॉलेज का यूज नहीं चाहिए, तो फिर अगर एजेंट परफॉर्म कर देगा कॉन्ट्रैक्ट तो भी वो चलेगा। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर बी, व्हेन पर्सनल कंसिडरेशन is not required, मतलब पर्सनल स्किल पर्सनल नॉलेज का जरूरत नहीं है। ठीक है, by the promiser, then the contract can be performed by his agent. Then the contract can be performed by his agent. ठीक है, वो जो agent है उसका वो contract perform कर सकता है। ठीक है, next point number third, ये भी तुम लोग जानते हो, point number three जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, legal representatives, ये मैं पहले से थोड़ा सा पढ़ा दिया था तुमको, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसका प्रॉपर्टी जिसको मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए लायबल होंगे, दे विल बी लायबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट मैं कोई पर्सनल स्किल या कोई पर्सनल नॉलेज का जरूरत है तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट किया था पेंटिंग बना देगा बोल के, अब अगर मिस्टर ए का डेथ हो जाता है पेंटिंग करने से पहले, तो ए का अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेंटिंग कर देगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो LR परफॉर्म कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल कंसिडरेशन का जरूरत नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स पर्सनल स्किल पर्सनल नॉलेज का जरूरत नहीं होना चाहिए। अगर पर्सनल स्किल से नॉलेज का जरूरत है और सामने वाला पार्टी का डेथ हो गया है प्रोमिसर का, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म
नहीं हो सकता, ठीक है। लिखना एग्जाम्पल हम लोग ऊपर ऑलरेडी लिख लिए थे, हम यहां पे एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिखना अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल on the date of the promisor, full stop. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अगर कोई पर्सनल स्किल नॉलेज का जरूरत है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता है जब प्रोमिसर का डेथ हो जाएगा, लेकिन अगर कोई पर्सनल स्किल नॉलेज का जरूरत नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बाउंड होगा उसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर, टोटल सर कितने पॉइंट्स है, टोटल पांच पॉइंट है बेटे इसमें, देयर आर टोटल फाइव पॉइंट्स, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर फोर, एबीसी मार्क कर रहे थे या वन टू थ्री, एबीसी ठीक है। चलो पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी हेडिंग करना थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट कोई तीसरा व्यक्ति परफॉर्म कर दिया, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। लिखना व्हेन द प्रोमिसी एक्सेप्ट्स performance of the promise from a third party he cannot afterwards enforce it against the promisor. He cannot afterwards enforce it against the promisor. Full stop. The performance by पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं ये वाला, द परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी रिजल्ट्स इनटू डिस्चार्ज ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि कोई भी अगर थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देता है तो भी चलेगा, फिर प्रोमिसर और परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हम पढ़े भी थे,
there can be a stranger to a consideration. Consideration में stranger हो सकता है. अगर कोई contract को perform करने का बात आता है तो कोई third party to the contract contract को perform कर सकता है. जैसे कि example था कि हम लोग कहीं से एक pen खरीद के ले आए उधार में, बाजू वाले दुकान से पेन खरीद के लाए उधार में, और हमारे बदले हमारे पापा पैसा दे दिए, तो चलेगा, इट इज ओके, क्योंकि कंसिडरेशन में कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. ठीक है, तो वही बोल रहा है, कोई थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देता है तो फिर प्रोमिसर डिस्चार्ज हो गया, मतलब प्रोमिसर को और परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है. तो तुम्हारे बदले तुम्हारे पापा पैसा दे दिए तो तुमको और पैसा देने का जरूरत नहीं है. ठीक है, लिखना एग्जाम्पल. ए रिसीव सर्टेन गुड्स from B. Promising to pay 1 lakh rupees. If later on Mr. C pays 70,000 to B on behalf of A, then B can only claim 30,000 rupees. B can only claim 30,000 rupees from A. Simple से example है, A सामान खरीदा B से, 1 lakh rupees दे दूंगा बोल के, बाद में सी दे दिया 70,000 रुपए ए के बदले, किसको, बी को. तो अब बी सिर्फ कितना रुपए मांग सकता है ए से, बैलेंस 30,000 रुपीज, क्योंकि थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज मिस्टर सी हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. लिखना पॉइंट नंबर फाइव. Point number E. Joint promisor. Joint promisors. ठीक है. Joint promisors का मतलब है जब एक contract के अंदर एक से ज्यादा लोग मिलके promise किए हैं. That is known as joint promisors. डिटेल में और पढ़ेंगे जॉइंट प्रोमिसर्स. अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है, एक दो टॉपिक छोड़ के, वो जॉइंट प्रोमिसर ही है. ठीक है, जॉइंट प्रोमिसर का मतलब है जब दो तीन लोग मिलकर एक प्रॉमिस किए हैं. ठीक है, अब सपोज ए बी सी मिलके प्रॉमिस किए कि वो लोग देंगे कितना, 90,000 रुपीज टू मिस्टर डी. अब ये जो ए बी एंड सी है इनको बोला जाता है जॉइंट प्रोमिसर्स. ठीक है, अब ए परफॉर्म कर दिया अगर बी और सी के बदले तो भी चलेगा. 90,000 मतलब सब 30,000 रुपए देंगे, ए 30,000 देगा, बी 30,000 देगा, सी 30,000 देगा. ए अगर पूरा का पूरा 90,000 दे देता है डी को तो भी चलेगा. सर लेकिन ए क्यों देगा, ए बाद में पैसा मांग लेगा बी से और सी से. बहुत बार ऐसा नहीं होता है, हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं. ठीक है, चार दोस्त खाने गए, बिल आ गया लेट से 1,000 रुपए. ठीक है, अब जब 1,000 बिल आया, सबका 250-250 रुपए हुआ, 250 रुपीज ईच हुआ. अब या तो वहीं पे हम अपना अपना 250-250 जमा किए, टेबल पे रखना चालू कर देते, ये मेरा 250, ये मेरा 250, ये मेरा 250, जमा हुआ 1,000 और हम दे दिए, या फिर कोई एक व्यक्ति दे दिया होटल में पैसा 1,000 रुपए पूरा,
और बाद में वो 250-250 रुपए बाहर निकलते ही सबसे ले लेगा तो भी चलेगा ना। ठीक है, वही बोल रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति परफॉर्म कर देता है बाकियों के बदले तो भी वो एक वैलिड परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, देखना पॉइंट नंबर ई, द हेडिंग इज जॉइंट प्रॉमिसर्स। When two or more persons have made a joint promise, when two or more persons have made a joint promise, then all such persons must jointly fulfill the promise. All such persons must jointly fulfill the promise. The contract can be performed by any one joint promisor on behalf of others. बाकी के बदले एक व्यक्ति भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, हम उतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे जॉइंट प्रोमिजर्स पे, क्योंकि हम बहुत डिटेल में आगे चल के पढ़ने वाले हैं द टॉपिक ऑफ जॉइंट प्रोमिजर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आने ही वाला है जॉइंट प्रॉमिसर्स। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, डिटेल में जॉइंट प्रॉमिसर्स हम फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो तो आज के क्लास में हम इतना पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहीं से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।